जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र से भारतीय सार्थक पार्टी के उम्मीदवार पूर्व इंस्पेक्टर अधिवक्ता राज किशोर शर्मा आलू भंटा एवं अन्य सब्जियों का हार पहने चूल्हे के साथ जब नामांकन के लिए पहुंचे तो हर कोई देखने के लिए लालायित था। राजकिशोर शर्मा ने जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र से नामांकन किया एवं एनडीए इंडिया गठबंधन पर अपनी भड़ास निकाली। जहानाबाद से चुनाव लड़ रहे एनडीए प्रत्याशी व इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के बारे में बात करते हुए इन्होंने कहा कि दोनों बाहरी हैं और इस बार जहानाबाद की जनता दोनों को आईना दिखाने का काम करेगी। और भी बहुत कुछ कहा पूर्व इंस्पेक्टर अधिवक्ता जहानाबाद लोकसभा के प्रत्याशी राजकिशोर शर्मा ने। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। महंगाई के बिंदु पर पूरे समाज का समर्थन हमें प्राप्त है। समाज महंगाई से, जनता महंगाई से त्रस्त है। गैस का दाम 400 रुपया में उज्ज्वला योजना के तहत गैस मिला था, आज गैस का दाम 1000 रुपया हो गया। जनता फिर मिट्टी के चूल्हा पर चला गया, मिट्टी के चूल्हा पर खाना बना रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, गैस नहीं मिल रहा है। दाल महंगाई है, जनता पब्लिक के थाली से दाल गायब हो गया। सब्जी महंगा है, सब्जी गायब हो गया। इसी मुद्दे को लेकर, महंगाई के मुद्दे को लेकर हमने माला पहन करके और जगह चूल्हा ले करके और जनता को जगाने का काम किया और भरपूर समर्थन हमें प्राप्त हुआ था। सर, आप पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं, अचानक से राजनीतिक में आपने कदम रखा है, क्या लगा, कैसे लगा कि अब भाई राजनीतिक में आके हम ये करें? हम पुलिस इंस्पेक्टर जहानाबाद में रहे, दो बार CID इंस्पेक्टर भी रहे और जिला के इंस्पेक्टर भी रहे। यहाँ के लोगों का दुख दर्द को बड़ी नज़दीक से देखे। आम जनता परेशान है, भ्रष्टाचार का आलम फैला हुआ है। ब्लॉक में जाइए और कोई काम आप बिना पैसे के करा के चले आइए तो आप समझेंगे कि आप वीर बहादुर हैं। आम जनता रोज ब्लॉक जा रही है, CO के यहाँ, BDO के यहाँ, अपने खेत का अपना रुपया दे के रसीद कटाने जाता है, वहाँ भी पैसा लग रहा है। अस्पताल में जाइए, दवा उपलब्ध नहीं है, आपको बिना पैसे का बाहर से दवा लाना पड़ेगा और इलाज समुचित ढंग से नहीं हो रहा है। बहुत मुसीबत का समय झेल रहा है लोग। ये मोदी जो चल रहा है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कोई मोदी फैक्टर नहीं है जहानाबाद में, ये सब मीडिया का कमाल है, सब डिजिटल का कमाल है। बस आम जनता त्रस्त है, अपराध बढ़ा हुआ है, अपराधियों का तांडव चल रहा है। रोज सुनते हैं गोली मार दिया, यहाँ हो गया, वहाँ हो गया, कोई अंकुश नहीं है। अगर मेरी सरकार आई या मैं जीता तो अपराध पर जहानाबाद में अंकुश लगा के रहूँगा, भ्रष्टाचार को मिटा के रखेंगे। जहानाबाद में पेयजल की सुविधा है, अति पेयजल की किल्लत है, पटवन का दिक्कत है, तो किस हर हाथ को बेरोजगारी है, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी और हर आदमी को पीने की सुविधा हम मुहैया करावेंगे। इसके लिए हम लड़ेंगे और जनता का समर्थन हमें प्राप्त है। जहानाबाद की राजनीति लोचा खा रही है 20 साल से। यहाँ के सांसद कभी गया से आके हो जा रहे हैं, कभी पटना से आके हो जा रहा है और जहानाबाद का नेता लोग ये टप्पा खा रहा है। इस बार भी वही हुआ, हिस्ट्री सीटर, अपराधी प्रवृत्ति का आदमी गया से जाके टिकट ले रहा है। घोटालेबाज, एम्बुलेंस घोटाला का घोटालेबाज विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के लोग चिल्ला रहा था कि भारी घोटाला हुआ, आज सटवा सट किए हुए है, वो जाके पटना से टिकट ले रहा है, पटना से आके टिकट ले रहा है। और यहाँ का लोग कभी उस पार्टी में भाग रहा है, कभी उस पार्टी में भाग रहा है, कभी उसका पैर धर रहा है, कभी उसको चरण स्पर्श कर रहा है, कोई उधर रो रहा है, कोई उधर बिलबिला रहा है, कोई उधर गलगला रहा है। टिकट नहीं मिला और जहानाबाद में पैदा हुआ किसी आदमी को टिकट, जहानाबाद लोकसभा में पैदा हुआ किसी भी आदमी को टिकट नहीं मिला, ये बड़े दुख की बात है। जहानाबाद जिला में 3 विधानसभा क्षेत्र है, घोसी, मखदुमपुर और जहानाबाद, और तीनों के विधायक जहानाबाद जिला के नहीं है, दूसरे जिला के आके यहाँ विधायक हो रहा है, दूसरे जिला का आके MP हो रहा है। तो क्या जहानाबाद वासी
जहानाबाद के लोग सजा भोगने के लिए पैदा हुए हैं, माल खाने के लिए दूसरे जगह से आ गए हैं। ये जदयू पार्टी चाहे भाजपा है, इन लोगों का खेल निराला है, उसको चलने नहीं देंगे, गठजोड़ नहीं चलने देंगे। और यहाँ पर जनता जो है धोबिया पाठ मारने के लिए तैयार है, एकदम कमर कस चुका है। जदयू और बीजेपी का नौवीं बार गठजोड़, कोई नौवीं बार किसी लड़की का शादी हो बर्दाश्त करेगा? आप बर्दाश्त करेंगे? हम बर्दाश्त करेंगे? नहीं बर्दाश्त करेंगे। और ये नौवीं दुल्हन, नौवां दुल्हा घचाघच कर रहा है और जनता को समझा रहा है कि हम ही को वोट दीजिए, फिर हम जो है से आपको अति करेंगे। ठीक है, चंद्रवंशी जी 5 साल रहे, जीत करके आए गए और फिर वोट में आ रहे हैं। जनता लाठी लेके खोज रही है, आओ हमारे दरवाजे पर, भगोड़ा को हम नहीं देखना चाहते हैं। और फिर वोट लेगा, फिर भागेगा, फिर सरकार में सटवा सट करेगा, इसके बाद फिर टूटेगा, कोई उधर उसके भागेगा, कोई उधर उसके भागेगा, और जनता का हालत जो है जस के तस रहेगा। हमारा जमीन जगह, हम रिटायर होने के बाद हम अधिवक्ता का काम करते हैं, कोर्ट में वकील हैं, हम फ्री में जनता सेवा करते हैं, सलाह देते हैं, काम करते हैं, केस देखते हैं, दिन भर समाज सेवा करते हैं। हमारा जमीन जगह यहाँ का लोग बिलबिला रहा है, इसकी मदद होनी चाहिए और हमें लड़ाई लड़ना चाहिए। हम संघर्ष के लिए तैयार हैं, जहाँ भी जहानाबाद के मान सम्मान और शान के लिए आगे आना होगा, हम राजकिशोर शर्मा कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेगा।